कौन कमबख्त कहता है कि थाईलैंड में तीखा नहीं खाते। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं जोन बबल वापस एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ जर्नलिस्ट चैनल पर। ये एक अलग सा वीडियो है और इसमें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक ऐसी डिश थाईलैंड की जो सबसे टॉप की डिश मानी जाती है, उसके बाद टॉप नंबर 3 भी डिश इसी वक्त मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जो मेरे सामने आपको दिख रहा है वो सब कुछ मैं खाने वाला हूँ आज। अब आप सोचोगे ये इतना बड़ा बाउल क्या है। इसे कहते हैं टॉम यम सूप, नंबर 3 डिश थाईलैंड की। ये है पपाया सलाद, थाईलैंड की नंबर 1 डिश। और दिस इज खाउफत पू, यानी क्रैब फ्राइड राइस, केकड़ा उसका फ्राइड राइस। ये जो पपाया सलाद है ये फिश पपाया सलाद है, और ये जो है ये है कुंग तोमयम, यानी श्रिम्स का तोमयम सूप। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भूख लगी है, ज़्यादा वेट नहीं कर सकता। सबसे पहले शुरुआत करता हूँ किसे, तोमयम, माय फेवरेट। बहुत ही बढ़िया बना है, मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा है। ये देखिए ऑरेंज कलर का होता है, स्पाइसी और थोड़ा सा खट्टा नहीं बोल सकते, लेकिन ये तीखा होता है। बहुत सारे हर्ब्स इसमें होते हैं। ये जो टोमेटो, ये हरा वाला टोमेटो है, एक्चुअली लाल वाला टोमेटो होना चाहिए। और इसमें कुछ बम्बू लीव्स थोड़े से होते हैं, कुछ बाकी के झाड़ पत्ते होते हैं। और कुंभ मैं आपको दिखाता हूँ, कुंभ बाइक किधर गए। ये है बम्बू लीव, ये है बम्बू लीव, और यस ये है कुंभ यानी श्रीम। ये है श्रिम्स। अब ये श्रिम्स कैसे खाने हैं, ये जो पूछ है इसे पकड़िए और सही में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही बढ़िया बनाया है। इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, जल्दी आपको पता चल जाएगा क्यों। ओके, अब पपाया सलाद। पपाया सलाद जो है इसमें आप देख सकते हैं ये लाल मिर्च है, और ये टोमेटो है, बीन्स की सब्ज़ी, और ये जो है ना ये है पपाया वाइट कलर का, और फिर थोड़ा सा ये गाजर आपको दिख रहा है, ये ब्रिंजल है। और आज यहाँ पे लाल टोमेटो नहीं है, लेकिन ये टोमेटो अच्छे लगते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसमें ना बहुत सारी मिर्च, लाल मिर्च डाली जाती है। मैं लगभग हर रोज़ यहाँ पर ये खा रहा हूँ और अब तक कभी तकलीफ़ नहीं हुई। अब ये खाने के बाद क्या तकलीफ़ होती है आपको पता चल जाएगी। एंड इसमें ये जो है ना, ये इसमें फिश सॉस वगैरह वो बहुत सारे, लेमन जूस वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसमें होती है, इस पानी में, इस जूस में। जनरली ये कुंग का भी मिलता है, कुंग यानी श्रिम्स का मिलता है, क्रैब्स का मिलता है, चिकन का मिलता है, बीफ का मिलता है। ये पपाया सलाद आप फिश का ले सकते हैं, एंड वेजिटेरियन लोग ये वेजिटेरियन भी बनाने के लिए बोल सकते हैं, उनके लिए फ़िश सॉस नहीं यूज़ किया जाएगा। सो ये नंबर 1 डिश थाईलैंड में हर रोज़ लगभग हर कोई खाता है। तो अब ये थोड़ा सा मैं चख लूँ। एब्सोल्यूट डिलीशियस, मिर्च के साथ सब कुछ।
जो किक बैठी है एंड जो पानी होता है बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ये खाने के लिए। बहुत ज़रूर पड़ गई ऐसे ही तीखा होता है। कौन कमबख्त कहता है कि थाईलैंड में तीखा नहीं खाते। मेरा एक दोस्त है, उसने कहा कि 6 बार वो थाईलैंड आ चुका है और बहुत कुछ खाता है। वो बोलता है सारी उबली हुई चीज़ें होती है यहाँ पर, सारी उबली हुई सब्जियाँ वगैरह। कमबख्त कभी ये खा के देखो पपाया सैलड। यू नो थाईलैंड के लोग बहुत ज़्यादा तीखा खाते हैं। भारत में हम लोग तीखा खाते हैं, हम लोग बोलते हैं कोल्हापुरी बहुत तीखा होता है। भाई कोल्हापुर के लोग कभी आओ और ये खा के देखो। फिर बताओ तीखा कौन खाता है। जिस तरीके से ये सारा बनाया जाता है, मेरे कुछ वीडियोस में मैंने ये दिखा हुआ है कि कैसे बनाया जाता है। ये बहुत तीखा होता है, इसलिए मैं जनरली वाटरमेलन जूस या फिर नारियल का पानी मेरे साथ रखता हूँ। वाटर रिलीफ। ये जो क्रैब राइस है इसके साथ उन्होंने ये देखे ये मिर्च भी दी है। लाल मिर्च यहाँ पर बहुत ज़्यादा खाई जाती है। ये लाल मिर्च में इसमें डालने वाला हूँ पूरी, क्योंकि इसकी टेस्ट वो जिस सॉस में डालते हैं वो सॉस बहुत बढ़िया होता है। ये भी दिया है जो मुझे अच्छा लगता है खाना। एंड कैसे होता है ये जो राइस है इसमें आप ये जो पपाया सैलड का जो पानी है या फिर ये जो पपाया सैलड है ये भी आप ऐड कर सकते हैं, या फिर आप ये जो टॉम यम सूप जो है ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं आपको अभी सिर्फ सैंपल दिखा रहा हूँ, सारा खाने तक मैं ये वीडियो नहीं चालू रखने वाला हूँ। बट परफेक्टली कुक्ड राइस स्पाइसी है। मैं आपको एक्चुअली थाईलैंड के बारे में कुछ चीज़ें बताने वाला था, लेकिन मेरे ख्याल से इस वीडियो में वो सारी चीज़ें बताना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं बहुत तीखा खाना खा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं मज़ा आता है, ये इसके अंदर लत लगती है। आप एक बार खाइए, पसीना छूटेगा, कान से धुआं आएगा, नाक से पानी आएगा, नाक से पानी आएगा। लेकिन अगली बार ना एक दिन जाने दीजिए, आपको इसकी लत लग जाएगी, आपको लगेगा अरे और खाया जाए। आई लव दिस पपाया सैलड। भारत में लोग जो पपाया होता है पपीता वो पीला होने के बाद पकने के बाद खाते हैं, लेकिन ये जो है यहाँ पर हरा पपीता श्रेड किया जाता है और फिर उसके बाद ये पपाया सैलड बनाया जाता है। तो मैं अब ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करने वाला हूँ, मैं इसे एंजॉय करना चाहता हूँ। बाकी की बातें जो है वो मैं आपको मेरी दूसरी कल जो डिश में खाने वाला हूँ भात थाई, उसमें मैं आपको थाईलैंड के बारे में कुछ बहुत ही ज़रूरी नॉट टू डू एंड टू डू बताने वाला हूँ। बने रहेगा हमारे अगले वीडियो में, कहीं पर मत जाएगा। बाय बाय फ्रेंड, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आई लव दिस, आई लव दिस।